घाघरा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को भेजा जेल। इस संबंध में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थानेदार अभिनव कुमार, एसआई राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा घटना की जानकारी देते एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल 8 अप्रैल को गुमला और घाघरा के मुख्य सड़क पे सटे गोदामी जितेंद्र उराव के खेत में स्थित कुआं में एक अज्ञात शव महिला का शव स्कूटी साथ बरामद किया गया था, जिस पर अनुसंधान के करते हुए स्कूटी के नंबर से उसका पता लगाने के बाद हम लोग जो तकनीकी अनुसंधान के दौरान इस कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें जो मृतिका थी उसकी पहचान सरस्वती कुमारी जो ईश्वर महली की बेटी थी जो आंध्र में रहने वाली थी। इसे बताया जाता है कि जो सरस्वती कुमारी थी जो अपने बहन के साथ में घाघरा में रहती थी और उसी समय वो एक नारायण गांव जो घाघरा करने वाले उससे उसका प्रेम था, लेकिन दोनों की जाति अलग होने के कारण दोनों में विवाह नहीं हो सका, लेकिन नारायण उसे बहुत प्यार करता था। इसी दौरान उस लड़की की मुलाकात सुजीत उलाव जो तुम जो उतार रहने वाला है उससे हुई और उसके साथ एक रिलेशन बन गया और उससे उसके से वो गर्भवती भी हुई जिसका उसके द्वारा एबॉर्शन भी कराया गया था, जिस संबंध में जो लड़की थी उसके घर वाले को भी पता था, जिसको आपस में दोनों आपस में बैठ संग्रहण कर लिए थे। इसी दौरान लड़की के साथ और सुजीत जो अभियुक्त है सुजीत कुमार उसके साथ में लड़की द्वारा कुछ डिमांड किया गया जिसमें दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद को लेकर 23/4/2021 को लड़की अपने किराए मकान घाघरा किराए मकान से वो अपनी स्कूटी जो बरामद किया गया उस स्कूटी से तुम जो भूटान गई थी जहाँ पर अभियुक्त से मुलाकात हुआ और वहाँ पर दोनों में किसी बात को लेकर बात विवाद हुआ जिस पर मनाते हुए ये टोटाम्बी उसी जो कुआं है घटना संभालने का सुजीत हुआ उसके बगल में ही जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो प्लान चल रहा था उसमें काम करता था, इसलिए उसको पता था कि ये सुनसान जगह पर कुआं है, वहां पर लाकर उस मृतिका के साथ सुजीत कुमारी के साथ में वो बातचीत किया, लेकिन बात जब नहीं बनी तो उसी के जो ओढ़नी है उसी से उसे गला में लपेट के उसको पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और वहीं पर घटनास्थल सटे एक और कुआं है वहां पर जो पानी निकालने और रस्सी को लाकर उस डेड बॉडी को उसी स्कूटी में हैंडल में और उसके जो बॉडी में बांध कर और बॉडी उस शव को स्कूटी के साथ उस कुआं में डाल दिए। जो डेड बॉडी करीब 1 साल के बाद वहां पर उसका एक डेड बॉडी सड़ने लगा उसका एक हाथ तैर रहा था जिसके आधार पर उसको बरामद किया गया। और इस अनुसंधान में थाना प्रभारी घाघरा द्वारा बहुत एक अच्छा अनुसंधान करते हुए बहुत जल्दी इस केस को सुलझाया गया और अभियुक्त को इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस लड़की सरस्वती कुमारी का अभियुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की सरस्वती कुमारी का है, परंतु इसको पूर्ण रूप से वेरीफाई करने के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।